सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भी तीन शेयरों को लेकर। पहला हमारा रहेगा भी IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, दूसरा रहेगा इरकॉन इंटरनेशनल और तीसरा रहेगा PSU स्टॉक है, इंश्योरेंस PSU है वो आप लोग देखोगे, GIC जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आप लोग देखोगे भी एक बड़ी खबर आई है OFS को लेकर, 7% जो हिस्सा है वो गवर्नमेंट बेच रही है कल के दिन, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे और इन शेयरों में आगे कैसे क्या मूव आ सकते हैं। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं इरकॉन इंटरनेशनल और IRFC को लेकर पूछे जाते हैं। 5 तारीख इरकॉन इंटरनेशनल के निवेशकों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो चले वन बाय वन करके करते हैं डिस्कस। 178 रुपये के भाव में है रेलवे का जो शेयर है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये तो यहाँ पर बहुत अच्छा मौका भी लॉन्ग टर्म वालों के लिए, इरकॉन और IRFC दोनों के अंदर बहुत अच्छा मौका है। हम यहाँ से जो है अभी इन शेयरों में SIP स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो भाई फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं, बहुत से निवेशकों को कमेंट आते हैं कि फ्रेश एंट्री कब ले, देखो भाई अभी का टाइम है, रेलवे PSU है, ये डाउन चल रहे हैं, बहुत से शेयर हैं ठीक है 20-25% के आसपास गिरावट में है। डिफेंस PSU में गिरावट, आज आपने देखा डिफेंस सेक्टर में कितने शानदार एक्शन हमें देखने को मिला है। तो ये खबरें आते रहेंगी, मार्केट में तेजी बनती रहेगी और इन शेयरों में भी तेजी बनती रहेगी। तो डिफेंस PSU हो गया ठीक है, रेलवे PSU हो गया, यहाँ पर SIP करना आई थिंक सबसे बेस्ट है अभी के टाइम। तो ये दोनों के दोनों शेयरों में SIP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आपकी मर्जी, आप किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी बनाते हो। चलिए अब आपको दिखाता हूँ इरकॉन इंटरनेशनल के लिए 5 सितंबर क्यों है इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी कंपनी की तरफ से एक अपडेट है, वैसे स्टॉक 27% के फिसल चुके हैं भाई, बहुत अच्छा मौका है। ऊपर से आप लोग मांगे चले भाई, यहाँ से अगर आपको कंपनी के अंदर, इस कंपनी में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो वो 10,000 रुपये इन्वेस्ट एकदम नए करके ठीक है, एकदम नए करके टुकड़ों में इन्वेस्ट करना ठीक है। पहले 5,000 हमने इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद में 2,500 हमने दो बारी करके इन्वेस्ट कर दिया। तो इस प्रकार की स्ट्रेटेजी आप लोग इसके अंदर बना सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भी आपको किस प्रकार से इन्वेस्ट करना है। तो मान चलिए हमने यहाँ पर 5,000 रुपये के शेयर खरीद लिए भाई ठीक है, कितने भी आए 5,000 के हमने जो है यहाँ पर शेयर खरीद लिए, और इन 5,000 के शेयरों के बाद अगर स्टॉक 5% नीचे जाता है तो वहाँ पर 2,500 रुपये के शेयर और खरीद लिए, अगर और 5% नीचे जाता है तो 2,500 रुपये के और शेयर खरीद लिए। तो इस प्रकार से आपकी एक अच्छी स्ट्रैटेजी इसके अंदर बन जाएगी और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भी किस प्रकार से आपको आगे इसमें सोचना है। तो इंपॉर्टेंट डेट क्या है भी 5 सितंबर, क्योंकि 5 तारीख इसकी जो है ड्यू डेट है डिविडेंड की। तो जिस भी भाई के पास शेयर है कंपनी के, 10 शेयर 20 शेयर 100 शेयर 500 शेयर, तो उन्हें 1.30 रुपये पर इक्विटी शेयर से कंपनी देगी डिविडेंड, जो आपके सीधे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे भाई, 1 महीने के अंदर अंदर आ जाते हैं। तो 5 तारीख लास्ट डेट है, इससे पहले अगर आपके पास है तो आप लोगों को प्रत्येक शेयर के ऊपर 1.30 रुपये मिलने वाले हैं, जो आपके सीधे बैंक अकाउंट्स में आएंगे। और ये जो पैसे आएंगे ना अभी, वो टैक्स वगैरह कट कर ही आएंगे आपके पास ठीक है। तो चलिए अब देख लेते अभी जो अगला स्टॉक है GIC, वहां पर क्या खबर है। जैसा कि यहाँ पर देखो भी GIC के शेयर में आज हमें हल्की सी गिरावट देखने को मिली, 421 रुपये के भाव में स्टॉक की क्लोजिंग आई है। यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया, हालांकि कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग के ऊपर इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दी है। इसके ऊपर जैसे कोई अपडेट आएगी वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे अभी। तो यहाँ पर देखो अभी गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी है यहाँ पर कितनी है, 85.8% है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो अपना स्टेक बेचने जा रही है, और कितना स्टेक बेचेगी वो आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ भी, कंपनी ने NSE BSE एक्सचेंज साइट के ऊपर इसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं दी है, या फिर आप लोग कहोगे कि कंपनी ने कोई नोटिस पब्लिश नहीं किया है। ये जो खबर वो हमें CNBC आवास की वेबसाइट के ऊपर देखने को मिली, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो अभी 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 ये खबर आई है जो CNBC आवास पर आई है, अभी बाजार खुलते ही सरकार 7% हिस्सा बेचने जा रही है 4,701 करोड़ रुपए में। तो कल ये बड़ी ब्लो, ये क्या बोलते भी, OFS के जरिए माल बेचेगी। यहाँ पर देख सकते हो अभी OFS ऑफर फॉर सेल एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से भारत में लिस्ट कंपनियों के प्रमोटर शेयर बेचते हैं और फंड रेज करते हैं, और ये खबर हमें आज के दिन देखने को मिले भी 6 बजे के आसपास है, हालांकि नोटिस वगैरह नहीं आया, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ। तो इसका अगर नोटिस आ भी जाते हैं वीडियो बनाते टाइम तो मेरे को पता भी नहीं है भाई। तो यहाँ पर देखो कि कंपनी के अंदर जो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 85% है, और मिनिमम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अनुसार आप लोग देखोगे भी कंपनी के पास जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उन्हें अपना 75% स्टेक रखना पड़ेगा, और जो बाकी का स्टेक है वो उन्हें बेचना पड़ेगा। तो ऊपर में तो 10% प्लस हो गया ना भाई, 85 है तो 10% ऊपर में हो गया। अभी के टाइम जो कंपनी है वो 7% स्टेक बेचेगी, बाकी का जो 3% स्टेक है वो बाद में बेच देगी भाई। तो ये कंपनी की तरफ से अपडेट है, हालांकि
2021 के भाव पर स्टॉक बंद हुआ है, इसके अलावा तो कोई और अपडेट है नहीं है भाई इसके अंदर, ठीक है। तो तैयार है ना, कल स्टॉक में एक अच्छा एक्शन हमें देखने को मिलेगा अगर नीचे के भाव में शेयर आए, ठीक है। लेकिन कितने प्राइस पर बेच रही है, कितने डिस्काउंट पर बेच रही है, ये यहाँ पर हमें मेंशन होते हुए नज़र नहीं आया भाई। लेकिन अगर कंपनी का नोटिस आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग जरूर पढ़ना भी किस भाव में हो रहा है, और बाकी मैं वीडियो बता दूंगा अगर आज के टाइम आ जाता है तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।